150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव पूरा भारत आयोजित कर रहा है और इसकी शुरुआत वास्तव में इंदौर ने ही कर दी है। वर्ष के इस कालखंड में छत्रपति शिवाजी महाराज ने, आप याद करिए, आज से 350 वर्ष पहले हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करके उस समय के सबसे क्रूर और बर्बर मुगल शासक की सत्ता को चुनौती देकर के उन्होंने उस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसका परिणाम है आज 350 वर्षों के बाद ही इसी श्रद्धा और सम्मान के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का पुण्य स्मरण हम सब कर रहे हैं, उसी गौरव के साथ कर रहे हैं जिस गौरव के साथ उस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य के प्रति समर्पित प्रत्येक वह भारतवासी उस कालखंड में कर रहा था। और आज हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति जब राष्ट्र नायकों की गिनती करता है तो भाइयों बहनों, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लेता है। 17वीं सदी में इस प्रकार की शासन सत्ता मिलनी दुर्लभ थी, जिन्होंने लोक कल्याण का भी काम किया, प्रजा के प्रति भी जितने समर्पण भाव के साथ कार्य किया, उतने ही समर्पण भाव के साथ भारत के राष्ट्रवाद के इस भगवे को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया था। और भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज के इसी सार और पराक्रम को देख करके उत्तर प्रदेश के कवि महाकवि भूषण ने एक बात कही थी, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर काना जिमि कंस पर त्या मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यानी जिस प्रकार पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंडों पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण और कंस पर कृष्ण भारी है, उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शिवाजी शेर के समान भारी है। भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज के इसी गौरवशाली परंपरा पर सम्मान व्यक्त करने के लिए हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय का सबसे बड़ा नौसेना का अपना बेड़ा बनाया था। आप सोचिए, उस समय एक सामान्य से परिवार से उभर करके उन्होंने अपनी एक बड़ी रियासत खड़ी करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कर दी थी और अपना स्वयं का एक समुद्री बेड़ा खड़ा किया। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के जो निशानी थी, आज अंग्रेजों के कालखंड से भारतीय नौसेना का जो चिन्ह था उसे हटा करके छत्रपति शिवाजी महाराज की निशानी को भारतीय नौसेना ने आज अंगीकार कर दिया है। इसके लिए पूरे भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभारी हैं। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से आगरा में, हमारी सरकार के आने के पहले की सरकार ने एक मुगल म्यूजियम बनाने का कार्य किया था। हमने कहा भी, क्या ये मुगलों के पैसे से बनाया जा रहा है? तो लोगों ने कहा, नहीं, पैसा तो सरकार का है। तो हमने कहा भी, इस म्यूजियम का नामकरण, भाइयों बहनों, हमने म्यूजियम का नामकरण ही छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर उत्तर प्रदेश में आगरा में एक म्यूजियम का निर्माण अब हो रहा है और बड़ा भव्य म्यूजियम बन रहा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम के साथ साथ
भारत के इतिहास के प्रति गौरव की अनुभूति करने वाला होगा। उस प्रकार के कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़ रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इंदौर ने पहले स्वच्छता के स्वच्छ भारत अभियान में अग्रणी स्थान प्राप्त किया था। इस बार भी जो भारत का स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है उसमें इंदौर को नंबर एक स्थान प्राप्त हुआ है। सचमुच मध्य प्रदेश सरकार, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के महापौर जी, यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, यहाँ के पार्षदगण और इंदौर की जनता इसके लिए अभिनंदन की पात्र है कि इन्होंने लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर एक स्थान प्राप्त करने के साथ ही स्मार्ट सिटी में भी एक गौरवशाली स्थान प्राप्त किया है, एक नया मानक गढ़ा है। यह है टीम वर्क, कार्य ऐसे ही होना चाहिए, इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और यह समर्पण का यह भाव हम सबको आज छत्रपति शिवाजी महाराज के इस भव्य स्मारक के माध्यम से भी देखने को मिल रहा है। जो भी यहां से गुजरेगा एक बार तो उसके मन में भारत की राष्ट्रीयता के प्रति सम्मान का भाव अवश्य जागृत होगा, अवश्य जागृत होगा। भाइयों बहनों, यह भारत के लिए बहुत शुभ अवसर चल रहा है जब पूरा भारत गौरव की अनुभूति कर सकता है। आज के दिन पर अभी आपने देखा होगा भारत ने 9 और 10 सितंबर को G20 के समूह देशों के एक बहुत बड़े समिट को दिल्ली में आयोजित किया है। पूरी दुनिया आज भारत के बदलते हुए भारत को देख रही है, भारत के नेतृत्व को देख रही है, नए भारत का दर्शन कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देख रही है। आर्थिक रूप से समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त होते हुए भारत को देख रही है। इस नए भारत का दर्शन, एक शक्तिशाली और समृद्ध भारत का दर्शन जो लोकमंगल के लिए, विश्व कल्याण के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के इन भावों को अंगीकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है, ये दुनिया को चमत्कृत कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। वैश्विक नेताओं के दिल्ली में जमावड़े ने इस बात को भी पुख्ता किया है कि भारत को अब दुनिया की महाशक्ति बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक महाताकत बनेगा। जहां एक तरफ भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी महाताकत के रूप में उभर रहा है, वहीं बहुत सारे लोग हैं जो भारत और भारतीयता पर आज भी प्रश्न खड़ा करके भारत की विरासत को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उन्हें राम की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उन्हें कृष्ण की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उन्हें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की परंपरा का सम्मान अच्छा नहीं लगता। वे लोग विदेशी हुकूमत को, विदेशी आक्रांताओं को आज भी अपना आका मानना चाहते हैं। ऐसे विकृत मानसिकता के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हमें भारत को दुनिया के एक महाताकत के रूप में स्थापित करना है तो हमें भारत की परंपरा के प्रति, भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति, भारत के आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महापुरुषों के प्रति, दैवीय विभूतियों के प्रति, राष्ट्र नायकों के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति हर भारतवासी के मन में होनी चाहिए और छत्रपति शिवाजी महाराज का यह भव्य स्मारक इस बात के लिए एक नई प्रेरणा का स्तंभ इंदौर से प्रारंभ हो रहा है। और मुझे विश्वास है इंदौर से प्रारंभ हुआ है तो इसकी झंकार तमिलनाडु से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जरूर सुनाई देगी, अवश्य सुनाई देगी।